मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के बुधनी दौरे के दौरान घायल हो गए हैं। लोहे के सरिये में फंसने से उनके पैर से खून निकलने लगा। यह देख लोग घबरा गए और घटना के तत्काल बाद ही साथ चल रही एम्बुलेंस के डॉक्टर ने उन्हें टिटनेस का इंजेक्शन लगाया और मरहम पट्टी की। सीएम की सुरक्षा में इस प्रकार की चूक होने के बाद अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। यह घटना रविवार शाम करीब 7:30 बजे की है, जहां पर सीएम शिवराज शाहगंज क्षेत्र में महेश पटेल के पुत्र के निधन पर नारायणपुर गांव पुष्पांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। घर पर पहली मंजिल पर सीएम सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचे ही थे कि किनारे उनका पैर मकान के छज्जे में लगे सरिये में फंस गया। पैर फंसते ही सीएम अनबैलेंस होकर फिसल गए। जब तक वह संभलते उनके पैर में सरिया घुस चुका था। सीएम के पैर से खून निकलता देख तत्काल साथ चल रहे एम्बुलेंस के डॉक्टर को बुलाया गया और मौके पर ही इलाज और इंजेक्शन लगाया गया। बता दें कि चोट लगने के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर का अपना कार्यक्रम रद्द नहीं किया और पूरा कार्यक्रम खत्म करने के बाद ही भोपाल वापस पहुंचे। दूसरी ओर 31 जनवरी यानी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड दौरा था, जिसे रद्द किया गया है। इस दौरे के रद्द होने की वजह उनकी चोट को नहीं बताया जा रहा है। बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड दौरे पर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक रैलियों को अनुमति नहीं दी है। इसी वजह से मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा।